हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड, ओके। तो चलो आज 4 जुलाई का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने 12 क्वेश्चन लिए हुए हैं। अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इन सभी क्वेश्चन के साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी सब दी हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड? तो इसमें क्या है आंसर, देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आर्टिकल 33 to 46, आर्टिकल 34 to 48, 36 to 51 एंड 34 to 52। तो अपना आंसर मार्क कर लो, फिर चेक करते हैं हम। इट्स द आंसर सी, 36 to 51। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और आई थिंक आप सबका सही ही होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था बट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच स्टेट हैज़ लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में कम जनसंख्या घनत्व है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम एंड उत्तराखंड। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंसस से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, यूपीपीएससी में भी और एसएससी में भी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इससे जितने भी डेटाज हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपना ज़रा आंसर मार्क कर लो, फिर हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें और पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें आपने आंसर तो मार्क कर लिया होगा, चेक करते हैं। आंसर इज ए पार्ट, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो काफ़ी लोग का सही होगा, इजी पार्ट है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। सेंसस 2011 वॉज 15th सेंसस सिंस 1872। तो एक तो ये 15वां सेंसस था, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, अभी तक कहीं पूछा नहीं है किसी एग्जाम में। इसके बाद जो पहला सेंसस हुआ था 1872 में हुआ था, ये भी देख लीजिए। इसके बाद जो 2011 में जो सेंसस हुआ है उसमें जो परसेंटेज ग्रोथ है वो कितनी है, 17.69। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम वॉज इन 1971, तो 1971 में 24.80 थी। इसके बाद 1931 था ना, 1921 टू 1931, उसमें भी पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो ये दो चीज़ें आई थिंक यूपीपीएससी के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा था इससे कुछ रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इंडिया की, 382 है, एंड बिहार इज द मोस्ट पॉपुलेटेड। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पे केरला, एंड हमारा यूपी जो है वो फोर्थ फोर्थ रैंक पे आता है। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 828, 828। ठीक है, ओवरऑल सेक्स रेशियो क्या है इंडिया का, 943। 2001 में ये था 933, तो ये +10 हो गया है। तो इसको एक पूछ सकते हैं ये लोग, कितना इंक्रीज हुआ है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, +10 बढ़ के ओवरऑल सेक्स रेशियो 943 हो गया है। ठीक है, लिटरेसी रेट कितना है, 73% इंडिया का। देन अब हम थोड़ा यूपी का डेटा देख लेते हैं। जो यूपी में पॉपुलेशन ग्रोथ है वो है 20.09। ठीक है, इंडिया इंडिया की कितनी थी, 17.69, यूपी की है 20.09। एंड सेक्स रेशियो कितना है, वो है 908 यूपी का, इंडिया का कितना था, 943। ठीक है, इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 828, जो हमने पहले डिस्कस की थी। 828 पॉपुलेशन डेंसिटी है, और इसकी डेंसिटी के बेसिस पे फोर्थ रैंक है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो नंबर वन पे बिहार है, नंबर इसके बाद इंडिया अपना यूपी नंबर फोर्थ पे है। सबसे कम कौन है, अरुणाचल प्रदेश। एंड अगर सबको ले लिया जाए, यूनियन टेरिटरीज को भी ले लिया जाए, तो नंबर वन पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो न्यू दिल्ली की है। ठीक है, तो याद रखिएगा, न्यू दिल्ली की ऑल ओवर, लाइक अब सब कुछ ले लेते हो तो न्यू दिल्ली अपना नंबर वन पे आता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय वॉज हैविंग फ्रेंडली रिलेशन विद, कृष्णदेव राय के मैत्रीपूर्ण संबंध थे किसके साथ में, फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्तुगीज एंड डच? आंसर मार्क कर लो, चेक करते हैं। लेट्स सी, आंसर इज सी पार्ट, पोर्तुगीज। ठीक है, ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? बगलिहार बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो गलत लिख दिया है, वो गूगल ट्रांसलेटर यूज करता हूँ तो उसमें ऐसे ही आ जाता है कभी कभी। ओके, बगलिहार बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, झेलम रिवर, सिंधु रिवर, चेनाब और सतलज? तो आंसर मार्क कर लो, चेक करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी, आंसर नंबर सी, चेनाब परियोजना, चेनाब रिवर पे ये बगलिहार प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया है, और ये काफी न्यूज में रहा है। पाकिस्तान ने पे कुछ आपत्ति दी थी, तो कुछ कोर्ट वो आईसीजे में इनका कुछ कोर्ट केस चल रहा है। ओके, सम अदर प्रोजेक्ट देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं इंडस रिवर सिस्टम में।
झेलम रिवर पे आपका रणजीत सागर प्रोजेक्ट चल रहा है, थीन डैम भी इसको बोलते हैं, दो नाम है, सेम 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 प्रोजेक्ट है ये, रणजीत सागर और थीन डैम, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद चेनाब रिवर पे जो तीन प्रोजेक्ट जो इम्पोर्टेंट हैं, एक आपका दुलहस्ती प्रोजेक्ट, देन सेलाल डैम, देन पगलिहार, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं इनमें, दुलहस्ती प्रोजेक्ट, सेलाल डैम एंड पगलिहार, ठीक है। तो हमारा झेलम रिवर पे कौन सा था, थीन डैम, इसके बाद चेनाब पे तीन है याद रखिएगा, दुलहस्ती, सेलाल एंड पगलिहार, देन हमारा ब्यास रिवर पे एक पोंग डैम है, तो एक ब्यास रिवर पे एक है इम्पोर्टेंट, वो है पोंग डैम, देन सतलुज पे दो मिलेंगे आपको, भाखड़ा नागल डैम एंड नाथवा झाकरी, तो ये दो इम्पोर्टेंट है, आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है, भाखड़ा नागल एंड नाथवा झाकरी। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज पन्ना नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है, ऑप्शन दे दिए हैं, नेशनल पार्क या बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अक्सर पूछते हैं कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो उनकी लोकेशन के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद आप ये देख लो, पन्ना आप याद कर लेना, सारे नेशनल पार्क की जो लिस्ट है उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है वो आप देख लेना, बाकी मैं कुछ वीडियो बनाने का भी प्लान कर रहा हूँ, देखता हूँ। तो इसके बाद नेशनल पार्क ये पन्ना किस्म है, आप चार ऑप्शन दिए हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, तो ऑप्शन टिक कर लिया होगा अब तक, चेक करते हैं, इसका आंसर है नंबर पार्ट बी, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हमारा नेशनल पार्क है ये। इसके बाद मध्य प्रदेश में 9 नंबर ऑफ नेशनल पार्क हैं जो मैक्सिमम है, एंड अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार एंड मध्य प्रदेश, इनमें 9 नेशनल पार्क हैं जो मैक्सिमम है अपने किसी भी स्टेट में इंडिया के अंदर। इसके बाद जो पन्ना नेशनल पार्क है काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पन्ना नेशनल पार्क से एक केन केन और बेतवा रिवर जो हैं, दो रिवर हैं, इनके बीच में कनाल बनाई जा रही है, ठीक है, तो वो जो कैनाल है वो पास हो रही है आपके पन्ना नेशनल पार्क के बीच से, तो काफी सारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने वाला है अगर ऐसा कुछ होता है, तो इसलिए जो अपने एनवायरनमेंट में जो लोग काम करते हैं तो वो सब लोगों ने इस पे काफी क्वेश्चन रेज कर रखे हैं और इस पे इशू चल रहा है, ठीक है। तो पन्ना नेशनल पार्क थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, कहाँ से है ये, कहाँ पर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट, इसको सूरत विभाजन बोलते हैं, सूरत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, ये आपका फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, मदन मोहन मालवीय एंड दिनशा वाचा, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, टिक कर लिया होगा अब तक, देखते हैं, पार्ट बी रास बिहारी घोष, ठीक है, तो दिस इंसिडेंस इज नोन एज सूरत स्प्लिट। और एक चीज बस देख लेना, रास बिहारी घोष एंड रास बिहारी बोस, इन दो में कंफ्यूजन मत हो जाना यार, रास बिहारी घोष एंड रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस कौन थे, ये क्रांतिकारी थे और अनुशूलन समिति से जुड़े थे और कई सारे इंसिडेंट्स इन्होंने कर रखे हैं, और INA में भी इनका पार्टिसिपेशन था रास बिहारी बोस का, तो इनमें कंफ्यूजन मत रखना यार, इसको थोड़ा क्लियर रखना, ठीक है। देन हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 14वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, शांत कुमार, सी रंगराजन, YV रेड्डी, नन ऑफ दिस, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन अपना टिक कर लो, कौन से थे इन तीनों में से, या चारों में से देख लो अपना, आंसर इज सी, YV रेड्डी, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं, एक तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट में दिया जा सकता है, फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 280, ठीक है, आर्टिकल्स काफी पूछते हैं यूपीपीएससी के एग्जाम में, तो आर्टिकल 280 इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट रखिएगा। इसके बाद जो एक कई सारी रिकमेंडेशन दी थी, जो एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि जो सेंटर से स्टेट को पैसा जाता है ना, टैक्स का जो कलेक्शन का पार्ट, वो पहले 32% था, किसमें, 13th फाइनेंस कमीशन, उसको बढ़ा के 42% की रिकमेंडेशन दी गई थी जो एक्सेप्ट कर ली गई है, तो अभी क्या है, गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन टू इंक्रीज द डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स रिसिप्ट फ्रॉम सेंटर टू स्टेट टू 42%, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखना, ठीक है, ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, जो गलत तरीके से मेल खाता है, ये गूगल ने ट्रांसलेट किया हुआ है, मैंने नहीं किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, पिगमीज जारे बेसिन, देन वेदास नेपाल, किक्यू केन्या, पापुआंस न्यू गिनी, तो
तो इसमें से जो रॉन्ग मैच है उसको आप टिक कर लीजिए, ठीक है। हम चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। आंसर आंसर नंबर बी, वेडाज इज माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रॉम श्रीलंका। हमने जबकि यहाँ पे नेपाल कर रखा है, तो नेपाल नहीं है, ये रॉन्ग आंसर। सो वेदाज इज माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रॉम श्रीलंका। और कुछ इंपॉर्टेंट बाकी जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज हैं, ट्राइब्स हैं, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखी हैं, आप इनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो चाहो तो। तो बुशमैन फ्रॉम कालाहारी, होटेंटोट फ्रॉम कालाहारी, देन बेदून्स फ्रॉम अरेबियंस, बिंडीबस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पिग्मी कांगो जारे बेसिन, देन सेमांग एंड ओरांग असली फ्रॉम मलेशिया, डायक्स फ्रॉम बोर्निया, देन मसाई एंड किकुयू फ्रॉम केन्या, देन हाउजा एंड आइबो नाइजीरिया, रोहंग्या फ्रॉम म्यांमार, देन मधेसी फ्रॉम नेपाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इक्वेटर डजन पास थ्रू। निम्नलिखित में से किन देशों में से इक्वेटर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, इंडोनेशिया, युगांडा, सिंगापुर एंड कोलंबिया। तो अपना आंसर मार्क कर लो, देखते हैं सोल्यूशन। सो आंसर इज सिंगापुर। सिंगापुर से इक्वेटर पास नहीं होता है, ठीक है, आप सबको मोस्टली मालूम ही होगा, इजी क्वेश्चंस हैं सारे। देन हमारे पास एक ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, किन किन कंट्री से इक्वेटर पास होती है। एक्चुअली इक्वेटर 13 कंट्री से पास होती है, आपको पता होगा 13 कंट्रीज हैं जिनसे इक्वेटर पास होती है, ठीक है। तो उसको याद रखने की एक ट्रिक है मेरे पास, जो जो मैं यहाँ पे दे रखी है मैंने, किम सक्स गैबॉन्स ब्रेस, ठीक है। तो जो किम है इधर, ये दिखाता है आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, किन किन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से इक्वेटर पास होता है, ठीक है। तीन कंट्रीज हैं जिनसे पास होता है, तो वो हम यहाँ से देख लेंगे। देन सक्स गैबॉन, ये इंडिकेट करता है अफ्रीकन कंट्रीज को, ठीक है। सेवन अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनसे इक्वेटर पास होता है, तो वो हम यहाँ से देख लेंगे। देन ब्रेस, सो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा, किम सक्स गैबॉन्स ब्रेस, ठीक है। तो ब्रेस है वो इंडिकेट करता है साउथ एशिया अमेरिकन कंट्रीज से, जहाँ से इक्वेटर पास होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, किम से साउथ ईस्ट कौन कौन से हैं, के से किरीबाटी, देन आई से इंडोनेशिया, एम से मालदीव, देन अफ्रीका में आते हैं तो एस से आपका सोमालिया, यू से युगांडा, सी से कॉन्गो, बोथ कॉन्गो, ठीक है। कौन कौन से, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों से आपका इक्वेटर पास होता है। देन के से आपको केन्या मिलेगा, सेक्स से साउटो में, सॉरी एस से साउटो में एंड गेबॉन। सो सात कंट्रीज हो गए, कौन कौन से हो गए, सोमालिया, युगांडा, कोंगो, दोनों कोंगो, कौन कौन से, रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, देन के से केन्या एंड साउटोमो एंड गबोन, ठीक है। इसके बाद एस सॉरी ब्रेस में आपको साउथ अमेरिकन कंट्रीज मिलेंगे, कौन कौन से, ब्रा से ब्राजील, सी से कोलंबिया एंड ई से इक्वेटर। तो इस तरह आपके सारे 13 कंट्रीज को याद करने की ट्रिक मिल गई है, बड़ा आसान हो जाएगा आपको याद करना। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज तेजस्विनी प्रोजेक्ट। तेजस्विनी प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट दिए हैं, देखते हैं इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एम एम्पावरिंग 6.8 लाख एडोलिसेंट गर्ल्स एंड यंग वुमेन इन झारखंड, स्टेटमेंट ए। देन स्टेटमेंट टू क्या है, इट्स फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इंडिया, ये वर्ल्ड बैंक का पहला प्रोजेक्ट है इंडिया में, विच इज सॉलिडली फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ एडोलिसेंट गर्ल्स एंड यंग वुमेन, जो जिसका फोकस है एडोलिसेंट गर्ल्स एंड यंग वुमेन के वेलफेयर पे, वर्ल्ड बैंक का पहला प्रोजेक्ट है। तो दो स्टेटमेंट दिए हैं, आप चेक कर लो क्या है सही है गलत, देन हम देखते हैं इसका आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो क्या है थे दोनों स्टेटमेंट, देन कि जो इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो है झारखंड में एडोलिसेंट गर्ल्स एंड यंग वुमेन के एम्पावर करने के लिए, कितनी, 6.8 लाख, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को 17 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया है, झारखंड के 17 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक का पहला प्रोजेक्ट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, किसके लिए, यंग वुमेन और एडोलिसेंट गर्ल्स के इम्पावरमेंट के लिए। कैसे किया जाएगा, उनको स्किल स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, लाइफ बेसिक लाइफ स्किल्स के बारे में सिखाया जाएगा, जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर पाएंगी, इम्पावरमेंट कर पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ मेजर पोर्ट एट, चार ऑप्शन दिए हैं, कोल्लम, कोयम्बतूर, इनायम एंड काकीनाडा। तो देख लो क्या आंसर है इसका, ठीक है, देखते हैं। आंसर नंबर सी, इनायम इज द करेक्ट आंसर। तो इंडिया में करंटली 12 मेजर पोर्ट हैं, ठीक है, ये 13वां हो जाएगा, ये दिस विल बी 13th मेजर पोर्ट, ठीक है। तो अब कौन कौन से मेजर पोर्ट एक बार जरा देख लेते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, पैराडीप आपको ओडिशा में मिलेगा, वाइजैग, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मिलेगा, इन्नोरे
ये प्राइवेट पोर्ट है, और ये आई थिंक ये भी आपका आंध्रा में है, ठीक है, एक बार देख लेना इसका क्या काम है, करेक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं। इसके बाद चेन्नई तमिलनाडु मिलेगा, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, एनआईएम जो प्रपोज किया गया है ये तमिलनाडु में है। इसके बाद कोची ये केरला में मिलेगा, देन पनम्बूर और मैंगलोर दोनों सेम है, मैंगलोर एंड पनम्बूर ये आपको कर्नाटका में मिलेगा। देन आप आ जाते हो मरमगांव में, ये भी कर्नाटका में है। देन नौसेवा महाराष्ट्र, मुंबई पोर्ट ऑब्वियसली महाराष्ट्र, एंड कांदला इन गुजरात। तो ये 13 पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स ये मैंने आपको बता दिए हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रबल दस्तक इज आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन, ठीक है, प्रबल दस्तक आर्मी एक्सरसाइज है किन कंट्रीज के बीच में। ऑप्शन दिए हुए हैं इंडियन ओमान, इंडियन नेपाल, इंडियन कजाकिस्तान एंड इंडिया इन मंगोलिया। तो कर लिया होगा, चेक करते हैं सोल्यूशन। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इंडिया एंड कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आर्मी एक्सरसाइजेज, नवल एक्सरसाइज, ठीक है, तो इन पे क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, पूछते हैं लोग यूपीपीसीएस और इवन यूपीएससी सभी जगह पूछते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट की है, आप इनको देख लो। मित्र शक्ति किसके किसके बीच में है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। देन एक्सरसाइज शक्ति ये किसके बीच में है, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके बीच में है, इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में, इंडिया एंड यूएसए के बीच में। इसके बाद सूर्य किरण किसके बीच में मिलेगी आपको, इंडिया नेपाल, इजी है। देन लमिट्टे किसके बीच में मिलेगी, इंडिया एंड सेशल्स के बीच में, ठीक है। और इसके बाद आपका प्रबल दस्तक। तो ये सभी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अपने नोट्स में जहाँ भी नोट्स बनाया हो आपने वहाँ पे नोट डाउन कर लो और इसको याद रखना। इसके बाद जो नवेल एंड एयर एक्सरसाइजेस भी हैं वो मैं अपने वीडियोस में आगे कवर कर लूँगा, ठीक है, तो वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना, ये मैं पूरा कवर कर दूंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियोस में। देन बस यही है, 12 वीडियो क्वेश्चंस हो गए, तो सही लग रहा हो, अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रहे हो तो इस हमारे जो यूट्यूब चैनल है गेट सर्किल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अब जो भी हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद कुछ सजेशन हो आपको, कुछ चेंजेस लग रहे हो क्वेश्चंस में, या का इजी हो, टफ हो, जो भी हो, जैसा भी हो, कुछ सजेस्ट, जो भी सजेस्ट करना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो, अगर मुझे यूज़फुल लगेगा तो मैं डेफिनेटली उसको लूँगा अपने वीडियोज़ में, ठीक है। एंड फेसबुक पेज को लाइक कर दो, गेट सर्किल फॉर यू, ठीक है, और सही है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो डेली रूटीन बेसिस पे। एंड हाँ, एक चीज़ जरूर करना, अपना एक नो एक 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 नोटबुक बना लो, ठीक है, इस गेट सर्किल के नाम से बना लो, जिसमें और पर डे डेली बेसिस पे जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, तो उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, ठीक है, तो उनको आप नोट कर लो, एक डेट डाल के दो दो तीन पॉइंट्स में नोट कर लो, आखिरी टाइम में आप इसको रिवाइज कर पाओगे, तो वो बहुत यूजफुल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर हम डेली वीडियोज डालते हैं, लाइक अगर आप कुछ मीन्स अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं डेफिनेटली एक नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, अभी 12 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 15 कर दूंगा, 20 कर दूंगा। तो अगर हम अभी जितना भी हमारे पास यूपीपीसीएस के टाइम है उसके हिसाब से हम 2000-2500 क्वेश्चन कर लिए अगर, और आप उनको पर्टिकुलर नोट करते जा रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत यूजफुल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।